हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नीना द्रवेश आपका अपने इस चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको राजपूती पोशाक में कुर्ती की कटिंग करना बताने वाली हूँ, जिसका सीना 36 इंच और उसकी लंबाई 27 इंच है। तो उस हिसाब से हमने जब उसको हाफ किया तो वो हमारी 18 इंच है चौड़ाई सीने की, तो उस हिसाब से हमने उसे 20 इंच में लिया है और लंबाई हमने 27 इंच ही ली है, क्योंकि जैसे ही ऊपर और नीचे में सिलाई आएगी तो एक इंच की इसमें मगजी ऐड हो जाएगी। तो जितना आपका नाप है आपको करेक्टली वही लेना है। 27 इंच लंबाई है तो आपको 27 इंच लंबाई ही लेनी है उसकी, तो वो कुर्ती मगजी लगने के बाद में आपकी 27 इंच तैयार हो जाएगी। सीना जब हमने 1/4 किया है उसको, चौथाई कर लिया, चार हिस्से कर लिए, तो हमारा 9 इंच होता है, तो हमने उसे 10 इंच ले लिया है। ये हमारी 27 लंबाई है इस कुर्ती की, तो हमने 27 का 27 ले लिया है। शोल्डर ले लिया हमने 7.5 यानी 15 इंच का। अब यहाँ से हमें जो खाएं काटनी है वो है 8 इंच। 8 इंच ले लिया हमने, ये गोल निशान लगा लिया हमने खाएं का, ये 8 इंच है। शोल्डर हमारा 7.5 इंच यानी 15 इंच हो गया। 8 इंच लेना है, उससे आगे भी हमें 9 इंच तक रखना है। यहाँ तक हमारी कुर्ती कट रहेगी, मतलब नीचे से कटिंग का है ये निशान। उसके बाद आप अगर चाहो तो अपनी कमर में थोड़ा सा शेप दे सकते हैं जैसे मैंने दिया, अदरवाइज आप फ्लैट रखना चाहें तो जरा सी कटिंग ले सकते हैं। ये इस तरह से निशान लगाया हमने कुर्ती पे। अब हम इसे काट लेंगे, 1 इंच कम कर दिया हमने यहाँ तक, कट तक हमने इसे तिरछा ले लिया है। ये इस तरह से काट लिया हमने, कमर पे भी हमने थोड़ी शेप दे दी आधा इंच की। उसके बाद 8 इंच हमने ये खाएं काटी थी, तो 8 इंच काट रहे हैं हम इसे। ये इस तरह से हमारी कुर्ती कट गई है। अब हम इसे फोल्ड खोल लेंगे। बीच में जो है वो आगे का हिस्सा है, वो आप देख ही पा रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी है इसमें। अब हम इसे गले की कटिंग करेंगे। कुर्ती में गले की कटिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए आप समझ लीजिए कितना नाप होगा गले का। 9.5-10 इंच इसकी लंबाई है और 4.5 इंच चौड़ाई में हम एक निशान लगा लेते हैं। ये इस तरह से 4.5 इंच कर लिया हमने। दूसरी साइड भी 4.5 इंच पे निशान लगा के एक चौकोर डब्बा बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने चौकोर डब्बा बना लिया है। अब हम जहां से हमें गोलाई लेनी है, 3 इंच से हमें गोलाई शुरू करनी है, उस हिसाब से 3 इंच पे एक निशान लगा दिया हमने। ऊपर से जो हमने गला लिया है वो 1.5-2 इंच है, वहाँ एक निशान लगा लिया है। यहाँ से 3 इंच है। अब 3 इंच पे हमें सीधा मिला लेना है पहले, तो देखिए गला काटना इतना मुश्किल नहीं है, आप भी सीख जाएंगे आराम से। 3 इंच पे निशान लगाने के बाद हम इसे गोलाई देते हैं। ये इस तरह से गोलाई लेनी है हमें, बीच में तीखा नहीं रहना है, रखना है हमें, गोलाई ले लेनी उसे। ऊपर भी थोड़ी सी गोलाई दे देंगे, जो हमने सीधी लाइन खींची थी उसे थोड़ी सी गोलाई दे देंगे। और ये इस तरह से गला होगा हमारा। साढ़े 9.5-10 इंच इसकी लंबाई है और 4.5 का डब्बा बनाने के बाद आप आसानी से ये गला काट सकते हैं। ये हमारा गला कट गया है। अब हम इसको आगे के दो हिस्सों में थोड़ी सी गहराई दे देंगे, बाजू की जिस तरह से हर एक सूट में कुर्ते में देते हैं उसी तरह से। आधा इंच की लेनी है, ज्यादा नहीं लेनी है।
इस तरह से दो हिस्से, आगे वाले दो हिस्से ही काटने हैं, पीछे वाला नहीं। आगे वाले दो हिस्सों को थोड़ी सी गहराई दे देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी कुर्ती कट जाएगी, गला आप देख पा रहे हैं, इस तरह से ये गला कट गया है। अब हम इस बचे हुए कपड़े से इसकी मगजी काट लेंगे। तो सबसे पहले हमने बचे हुए कपड़े को एक सिलाई लगा दी है, चौकोर करने के बाद डबल फोल्ड में एक सिलाई लगा दी है। अब उसे इस तरह से खोल लेंगे, तिरछा कर लेंगे, उरेब जैसे आप बनाते हैं उरेब कर लेंगे इस कपड़े को और एक साइड से काट लेंगे। इस तरह से काट लिया हमने। अब हम कुर्ती के लिए मगजी लेंगे, दो दो इंच की लेनी है हमें ये मगजी। ये दो इंच की मगजी काट लेंगे हम। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमें जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। और आपके अगर किसी भी तरह के क्वेश्चन है तो हमें जरूर लिखिए। ये इस तरह से हमने दो दो इंच की मगजी काटी है जो कुर्ती के गले पर, बाजू पर और नीचे आएगी। जैसे हमने मगजी काटी उसी तरह से हम चमकीला गुना जो है गोल्डन कलर का ले रहे हैं, उसे भी इसी तरह से ओरेप कर लिया हमने। बीच में एक सिलाई लगाने के बाद साइड से हम काट कर उसे ओरेप बना लेंगे। ये इस तरह से ओरेप बना लिया हमने उसे। इसे आप पौन इंच तक काट सकते हैं, पौन इंच चौड़ाई में हमने ये काट लिया गुना। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमें जरूर लाइक कीजिए।